फिलहाल हमारा की अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आसान सा सिंपल से तरीके से लच्छा पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमने ना इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है। हम जो घर में हम आटा यूज करते हैं फाइन आटा, उससे हमने ये लच्छा के पराठे बनाए। ना हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया ना घी का। देखिए कितने मज़े के खूबसूरत से बनकर रेडी हुए। देखिए और इनके कलर देखिए कितने मज़े का बना है। आपको भी ये अच्छा लगा होगा और मुझे कमेंट्स में बताना रेसिपी कैसी लगी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार के साथ भी खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे लच्छे वाला पराठा। हमने ये पेड़े ले लिए, अब इसको हम बेल कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से बेल कर लेंगे। इसको हमने बेल कर लिया, अब इसमें हम घी लगा लेंगे ब्रश की मदद से। इस पर हमने घी लगा दिया, अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से करके हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे हाथों की मदद से। इसको हम हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। अब इसको हम हल्का हल्का बेल कर लेंगे। यहाँ पर हमने तवे को गर्म कर लिया, अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम घी लगाएंगे। अब इसको हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी साइड से इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखें कितने मज़े का बनकर रेडी हो गया। इसके लच्छे भी नज़र आ रहे हैं और
और खूबसूरत सा कलर भी आ गया दोनों साइड से। अब इसको हम हटा लेंगे। अब इससे हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे, इस तरह से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे, इसको भी हम बेल कर लेंगे। इसमें भी हम इस तरह घी लगा लेंगे। इसको भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से इसको भी हम बेल करके इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपको इसकी फ्राई लुक दिखाऊंगी। मज़ेदार से लच्छे पराठे बनकर रेडी हो गए। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़े के बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।